हाई फ्यूचर सी एस कैसा चल रहा है आई एम श्योर इट विल बी फिड ए गोड आई एम ऑल्सो गुड हि मैंने लास्ट टाइम पर आपको डिटेल दिया इसी से बारे में और मुझे बहुत सारे फोन आने लग गए बहुत सारी डिटेल मांगने के लिए इतनी सारी डिटेल दियलाइज की देर इज ए सर्टन नीड टू प्रिपेयर वन मोर वीडियो टू गिव यू दर कॉन्टेक्सट ऑफ वॉट एसीए इज ऑल अबाउट फॉर ए चार्ट अकाउंटेंट हाई एवरी वन माई नेम इज पंकजरा एंड एम ए क्वालिफाइड चार्ट अकाउंटेंट एंड ए सीपीए फ्रॉम यूएस नॉटेटी फॉर ए सीसीए इन इंडिया क्या करने वाले आज हम सर आज हम सीखेंगे कि जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं उनके लिए एसीए क्या बेनिफिट देता है एसीसीए में क्या क्या डिटेल्स होती है मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूं जो मुझे आए हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आपके दिमाग में भी वही टक्कर खा रहे होंगे सबसे पहला क्वेश्चन आया मुझे सर एक कितने एग्जाम होते हैं सर इसके अंदर और कितनी एग्जाम्शन होती हैं सर हम सी स्टूडेंट्स के लिए और कुछ बच्चों ने तो यहाँ तक पूछा कि सर मुझे ये बताओ कि क्या हमें यहाँ पर भी कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है क्या सर आर्टिकल सिप करनी पड़ेगी क्या इसकी भी कोई सेपरेट रिक्वायरमेंट है एंड सर इसमें ग्रुप होते हैं नहीं होते हैं इकट्ठे पेपर देना होता है कैसे देना होता है एंड व्हाट नॉट ये सब क्वेरीज मेरे पास आई और मुझे लगा यू नो वॉट देर इज अ नीड फॉर मी टू रियली ब्रॉडकास्ट दिस ताकि मैं आप सबको बता सकूं कि इन सब सवालों के आंसर हैं क्या सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि ये सब्जेक्ट या ये कोर्स हमसे कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की उम्मीद रखता है बिल्कुल रखता है ये जैसे कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी है वो कहती है आपको तीन साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी जरूरी है एसी भी कहता है कि आपको तीन साल की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी जरूरी है बट यू नो वॉट द बिगेस्ट बेनिफिट दैट एनी चार्टेंसी स्टूडेंट कि हमारी इंडियन आर्टिकलशिप इसके लिए एलिजिबल है माइने माइने अगर आपने आर्टिकलशिप करी हुई है मेरे बच्चे तीन साल की तो ये कंसीडर हो जाती है और कोई भी एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट आर्टिकलशिप करने की एसीसी के अंडर नहीं होती है अब आते हैं सर क्या इसके ग्रुप्स होते हैं क्या कैसे एग्जाम देने होते हैं कितना स्कोर करना होता है हमारे लिए कितना मुश्किल है बच्चे जिसने सी कर लिया ना उसके लिए तो कुछ मुश्किल है ही नहीं बिल्कुल ए की पासिंग परसेंटेज फिफ्टी होती है और रिलेटिवली इसको पास करना आसान होता है मैं ये नहीं कह रहा हूं एज ए कोर्स ये बहुत आसान कोर्स है बट रिलेटिवली एज कंपेयर टू चार्ट अकाउंटेंसी दिस इज एन ईजी कोर्स आप क्वालिफाई जल्दी कर पाते हैं उसका एक बहुत बड़ा कारण यह है कि यहां पर ग्रुप्स नहीं होते हैं यहां पर आपको चार पेपर आप इकट्ठे हर तीन महीने में होते हैं आप तीन महीने में एक एग्जाम दीजिए दो एग्जाम दीजिए एंड उसको क्लियर करते चलिए और फटाफट फड़ से, से बन जाइए बच्चे सबसे बड़ा एडवांटेज इसमें यह होता है क्योंकि हम चार्टर्ड अकाउंटेंसी बैकग्राउंड से होते हैं तो हमारे पास ये जो बैकग्राउंड नॉलेज होती है जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो ऑलरेडी बिल्ट अप होते हैं तो हमें सिर्फ उनको कैपिटलाइज करना होता है एडिशनल और इंक्रीमेंटल चीजें ऐड करनी होती हैं फॉर द पर्पस ऑफ गिविंग एग्जाम जो हमारे लिए बहुत आसान भी हो जाता है तो ये भी अच्छा हो गया हमें प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट भी नहीं है और हमारे पास एग्जामेशन भी हैं और एग्जामेशन की तो मैंने बात ही नहीं करी अभी आ रहा हूं एग्जामेशन के लिए मैं स्पेसिफिक स्लाइड लेके आऊ बिकॉज मुझे लगता है उस पर हमें थोड़ा नहीं लगाना चाहिए हाँ बट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग नहीं है और हाँ मुझे एग्जाम भी ग्रुप में नहीं देने हैं मैं इंडिविजुअली दे सकता हूँ और हर तीन महीने में, में दे सकता हूँ और फटाफट -फड़ से क्लियर भी कर सकता हूँ अब मैं आया हूँ बच्चे आपके लिए लेके कि एक्चुअली में ये एग्जाम है क्या इन टर्म्स ऑफ यू नो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट्स दैट वी हैव सो आई रियली वन ऑन टॉक अबाउट द ए सी सी फॉर दी ए स्टूडेंट्स कि एक्चुअली में इसके अंदर सब्जेक्ट्स होते क्या क्या है मैं थोड़ा सा डिटेल देता हूँ आपको तो थोड़ा आपको और अंडरस्टैंडिंग आएगा देखो बच्चे ऐसा है इस कोर्स के अंदर ना थर्टीन एग्जाम्स हैं आपको 13 एग्जाम्स देने होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ क्लियरिंग एंड बिकमिंग इन ए सी सी एफकोर्स तीन साल की रिक्वायरमेंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं वो हमें पता ही है बट बच्चे जो 13 एग्जाम्स आपको क्वालिफाई कराते हैं एसी सी ए बनने के लिए वो कुछ ऐसे हैं शुरुआत होती है बच्चे आपके फाउंडेशन से विच इज नॉलेज लेवल आपको नॉलेज लेवल में तीन एग्जाम देने होते हैं विच इज अकाउंटेंट इट बिजनेस जो बिजनेस स्टडीज है मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग बट बच्चे यू नो वॉट हमें एग्जाम नहीं देने हैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स को एग्जाम नहीं देने पड़ते हैं बिल्कुल नहीं देने पड़ते हैं उसका बहुत बड़ा फायदा यह है बिकॉज एसी से हमें एग्जाम कर देता है कि अगर आप आई पी सी सी स्टूडेंट हो तो आप कोई एग्जाम मत दो आपके लिए ये फ्री आगे देखें चलो सर आगे आता है स्किल लेवल स्किल लेवल में छह एग्जाम होते हैं राइट फ्रॉम कॉर्पोरेट एंड बिजनेस लॉ

आपको सिर्फ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग देना होता है जो कि अकाउंटिंग है और आपको परफॉर्मेंस मैनेजमेंट देना होता है जो कि कॉस्टिंग है और आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट देना होता है जो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही है बट एक फायदा और है मेरे बच्चे यहां पे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं यू नो आई हैव सीन दैट बिकॉज दे हैव रीच आउट टू मी जिन्होंने सी फाइनल के एग्जाम्स दिए और अनफॉर्चुनेटली वो सी फाइनल के एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए बिकॉज उनका टोटल नहीं बना बट उनके कुछ सब्जेक्ट में 40 मार्क्स आ गए जैसे कि उनके सी फाइनल में अकाउंट्स में 40 मार्क्स आ गए या फिनेंशियल मैनेजमेंट 40 मार्क्स आ गए या कॉस्टिंग के अंदर 40 मार्क्स आ गए ए उस चीज़ को भी ड्यू रिकग्निशन देता है ताकि अगर आपके किसी भी सब्जेक्ट में फोर्टी मार्क्स आए हुए सी फाइनल में तो आपको वो सब्जेक्ट भी एग्जामड हो जाते हैं तो मान लेते हैं एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने एग्जाम दिया सी फाइनल का बट वो क्लियर नहीं हुआ एवर उसके 40 मार्क्स बन गए इन तीनों सब्जेक्ट्स के अंदर तो उसको ये तीनों सब्जेक्ट्स भी नहीं देने हैं ये भी एग्जाम तो आपको सिर्फ चार पेपर देने होते हैं जो चार पेपर प्रोफेशनल लेवल के होते हैं और ये पेपर तो बच्चे आप सी ए क्वालिफाई कर भी लोगे ना तब भी आपको देने पड़ेंगे पेपर होते क्या हैं पेपर होता है बच्चे एक तो स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग जो कि है अकाउंटिंग या रिपोर्टिंग कह लेते हैं फिर है एक स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर एग्जाम जो कि बच्चे मिक्स है सारी की सारी लीडरशिप ट्रेड्स का जहां पे बहुत सारी थ्योरीज भी होती हैं लीडरशिप के लिए आपको कैसे स्ट्रेटेजिकली सोचना होता है एंड सो ऑन वो सारा मिक्स है और फिर हमारे पास चार और एग्जाम होते हैं जिसमें से हमें दो चुनने होते हैं टोटल में देने चार ही हैं बच्चे दो मैंडेटरी हैं जो कि बिजनेस रिपोर्टिंग है और बिजनेस लीडरशिप है बाकी चार में से दो चुनने हैं जो नथिंग विच आर नथिंग बट ऑडिट फाइनेंशियल मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड टैक्स इनके आगे एडवांस लग जाता है तो एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एडवांस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सॉरी एडवांस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड एडवांस टैक्स एंड एडवांस ऑडिट तो इन चारों में से एक दो चुनने होते हैं और उन दो को दे के फटाफट -फड़ से पास करके निकल जाना होता है दिस वॉट वॉट आई वॉन्टेड टू कवर टू गिव यू ए परस्पेक्टिव दैट आप चार्ट अकाउंटेंट स्टूडेंट के लिए एसी से करना कितना आसान हो जाता है और आपको क्या क्या बेनिफिट और क्या क्या चीजें मिलती हैं हम और वीडियोज लेके आएंगे जिसमें हम और डिटेल्स देंगे इन टर्म्स ऑफ यू नो द स्कोप ऑफ ए सी सी एंड ए सी सी ए करने के बाद आपके क्या प्रॉस्पेक्टिव हैं यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू विल गेट ऑल दो डिटेल्स या आप हमें कॉल भी कर सकते हैं मैं सारी डिटेल इस वीडियोज में दे रहा हूँ आपके पास uh, हमारी वेबसाइट भी पहुंचेगी हमारे नंबर भी पहुंचेंगे आप हमें कॉल भी कर सकते हैं फॉर गेटिंग एनी डिटेल्स एंड वी आर मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू एज आई सेड वी विल हेल्प यू फ्राइड फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन टू कोचिंग टू Examination of ACCA. With that, this is Pankaj Nigra signing off. Subscribe to our channel Fintram Global and press the bell icon to get the latest updates and resources on ACCA.